स्टूडेंट, मैं हूं अनुप्रिया और आज मैं लेके आई हूं आपकी क्लास 5 का एक न्यू चैप्टर, जो चैप्टर का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आइए देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम, एक सेकेंड, ये कॉल भी आपको नहीं दिख रही होगी, मैं दूसरी लेती हूँ। प्राइम फैक्टो राइजेशन, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि प्राइम फैक्टराइजेशन वाकई में है क्या? आ रही है ना आपके दिमाग में? ये भी चल रही होगी कि व्हाट इज प्राइम एंड व्हाट इज फैक्टराइजेशन, आ रही है ना दिमाग में? सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर का डिफिनेशन जान लेते हैं तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना, क्योंकि प्राइम नंबर जान लेंगे उसके बाद फैक्टराइजेशन जान लेंगे। सबसे पहले हम लोग, चैप्टर का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं और मेरे पास तो है ही नहीं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर जान लेते हैं कि प्राइम नंबर क्या है। बाबू, ये प्राइम नंबर बहुत ही याद करने वाली चीज़ है। ये हमेशा कोई ना कोई पूछ लेता है। घर में बड़े भैया हैं या बड़ी दीदी है, वो हमेशा आप लोगों को डांट सुनवाने के लिए आपके पेरेंट्स के सामने या फिर किसी और के सामने कभी ना कभी प्राइम नंबर पूछ लेती हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो इसका डिफिनेशन आप लोग बोल सकते हैं, ए नंबर डेट इज डिविजिबल ओनली बाई इटसेल्फ, ओनली बाई इटसेल्फ एंड वन इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। बाबू देखो ना, कितना आसान तो सवाल है, आप लोगों को अच्छे से नहीं दिख रही है, एक मिनट में थोड़ी सी कर देती हूँ। हाँ, तो आइए मैं देखती हूँ, आप लोगों को मैंने बताया प्राइम नंबर, एक मिनट में समझाती हूँ, आपको नहीं दिख रही थी। मैंने बोला, देखो सबसे पहले मैंने बोला कि प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हम लोग प्राइम जान लेते हैं, कैसा रहेगा, है ना? अच्छी बात। तो प्राइम नंबर क्या है? ए नंबर डेट इज कॉल्ड डिविजिबल ओनली बाई इटसेल्फ एंड वन इज कॉल्ड प्राइम नंबर। नहीं समझ में आया क्या है ये? तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले इसका डिफिनीशन तो दे दिए मैंने, इसका हिंदी देख लेते हैं। वैसे नंबर जो डिविजिबल हो सिर्फ वन से या फिर खुद से, वैसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। अभी भी नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल के लिए मैं 2 ले लेती हूँ, ठीक है? ये 2 क्या है? ये सिर्फ 1 के टेबल में 2 आएंगे या फिर 2 के टेबल में 2 आएंगे, है ना? ये किसी और के टेबल में आ सकते हैं क्या? नहीं आएंगे ना। ऐसे मैं 3 ले लेती हूँ बाबू, 3 लोगे तो ये 1 के टेबल में आएंगे या फिर 3 के टेबल में आएंगे। वैसी संख्या, मैंने तो यही बोला ना, वैसी संख्या है जो खुद से डिविजिबल हो या फिर अपने आप से डिविजिबल हो या फिर वन से डिविजिबल हो, उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। एक बार याद करते हैं, ए नंबर डेट इज डिविजिबल ओनली बाई इटसेल्फ एंड वन इज कॉल्ड प्राइम नंबर। मैंने बोला एक और एग्जांपल ले लूँ क्या? हाँ, मैं एग्जांपल लेती हूँ 7। अच्छा बताओ, 7 1 के टेबल में आता है ना? या आता है। एंड फिर 7 किस टेबल में आएंगे? किसी और के टेबल में 2 3 4 5 आता है क्या? नहीं आता ना, 7 के टेबल में आता है। इसका मतलब कि ये क्या है? प्राइम नंबर है। अच्छा, प्राइम नंबर से एक और चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी कि एक और चीज़ पूछ लिया जाता है इसी चैप्टर में, कंपोजिट नंबर। तो आइए कंपोजिट नंबर भी जान लेते हैं ना, क्योंकि कंपोजिट नंबर भी जरूरी है ना याद करना। तो आइए कंपोजिट नंबर देखते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या है। कैन आई रिमूव इट? हाँ, तो अब देखते हैं कि कंपोजिट नंबर बोला ना मैंने कि कंपोजिट नंबर क्या है। तो आइए सबसे पहले हम कंपोजिट देख लेते हैं कि कंपोजिट क्या होता है। कंपोजिट नंबर, ठीक है, इसके सबसे पहले मैं डिफिनीशन देख लेती हूँ कि डिफिनीशन क्या होता है। कंपोजिट नंबर को कह सकते हैं ए नंबर डेट इज डिविजिबल
बाई अ नंबर, नंबर अदर देन, बाई अ नंबर अदर देन इटसेल्फ एंड वन इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। मैंने बोला, मैंने एक सेकेंड, थोड़ी सी आपको अच्छे से नहीं दिख रही, मैं थोड़ी अच्छे से कर लूँ इसको। आई होप आप लोग को अच्छे से दिख रही होगी। मैंने बोला कंपोजिट नंबर, तो देखिए नंबर, मैंने डिफिनेशन इसका दिया है, ए नंबर डैट इज डिविजिबल बाई अ नंबर अदर देन इट सेल्फ इज एंड वन इज कल कंपोजिट नंबर। मैंने बोला कि वैसी, इसका डिफिनेशन क्या कह रहा है कि ऐसी नंबर, ऐसी एक संख्या जो डिविजिबल हो एक नंबर से, जैसे इट सेल्फ से, खुद से डिविजिबल हो, खुद से मीन्स डिवाइड तो होता ही हो, वन से भी डिवाइड हो और किसी और भी संख्या से डिवाइड हो, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। नहीं समझ में आया? मैंने बोला प्राइम नंबर क्या है कि वैसी संख्या है जो खुद से डिविजिबल हो, खुद से डिवाइड हो और एक वन के टेबल में वन से डिविजिबल हो, उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर बोले हैं। अभी क्या मैंने बोला? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में मैंने क्या बोला? वैसी संख्या है जो वन से डिविजिबल हो ही और इट सेल्फ मीन्स खुद से भी हो, वन से भी हो और एक कुछ और भी संख्या वहाँ पे हो, जो कुछ और भी संख्या से डिविजिबल हो, उसे क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। नहीं समझ में आया? एक उदाहरण के लिए एक ले लूँ क्या कुछ मैं? देखिए एग्जांपल के लिए मैं सिक्स लेती हूँ। आप देखो इसको, सिक्स क्या है? वन से भी, वन के टेबल में भी आता है और क्या है, सिक्स के टेबल में भी सिक्स आता है और देखो ये टू के टेबल में भी आता है और थ्री के टेबल में भी आती है। नहीं समझ में आया? वैसी संख्या है, ये थ्री है, ठीक है, वैसी संख्या है जो खुद से डिविजिबल हो, वन से भी डिविजिबल हो और टू एंड थ्री, सिक्स क्या है? टू से भी डिवाइड हो रहा है, टू से एंड थ्री से भी डिवाइड हो रहा है, ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। अब समझ में आ गई? ये याद रखिएगा, एक बार फिर से डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। ए नंबर डैट इज डिविजिबल बाई ए नंबर अदर देन इट सेल्फ एंड वन इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। समझ में आया? आइए अब मैं आगे बढ़ती हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ, ठीक है। मैं इसको रिमूव करती हूँ, हाँ बच्चा, तो आगे बढ़ते हैं। हम क्या बता रहे थे? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आइए प्राइम फैक्टराइजेशन, अब आपके दिमाग में आ रही होगी कि प्राइम नंबर तो हमने, प्राइम तो जान गए, मैंने जान लिया, लेकिन फैक्टराइजेशन क्या है, फैक्टर क्या है, ये तो दिमाग में आ रही होगी ना कि फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। तो आइए फैक्टराइजेशन भी हम लोग जान लेते हैं कि फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। तो फैक्टराइजेशन में हम लोग कह सकते हैं राइटिंग, आप लोग फैक्टराइजेशन के डिफिनीशन देना हो तो आप लोग लिखिएगा। फैक्टराइजेशन मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको नहीं दिख रही होगी, अब आपको दिख रही है। चलिए फैक्टराइजेशन, अब हम लोग देखेंगे इसका डिफिनीशन। राइटिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक बार देखते हैं। राइटिंग अ नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स इज कल, इट कल, इज कल फैक्टराइजेशन। अब हमने देखा कि वैसी, वैसी जिसका मान लीजिए सपोज दैट मैंने 24 लिखा है, ठीक है, 24 एक मैंने नंबर लिखा, इसको जब हम लोग इसका प्रोडक्ट निकालेंगे मीन्स जब इसको हम लोग फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, तो ये टू से आएंगे, टू से कटेंगे, सबसे पहले टू के टेबल में कितने बार जाओगे? टू, वन जा टू एंड टू टू जा फोर, और फिर हम लोग टू से ये कट सकता है ना, तो टू फिर सिक्स टाइम्स जाएगा, फिर टू से इसको डिविजिबल करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये थ्री बार में जाएगा, थ्री टाइम्स में जाएगा। अब ये थ्री से करेंगे तो थ्री वन जा थ्री,
मीन्स ये जो प्रोडक्ट हमारा आया है 2 × 2 × 2 × 3, ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट निकला है 24 का आया है ना, 24 का प्रोडक्ट हम लोग का क्या आया ये, तो ये जो हम लोग निकाल रहे हैं इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन की अगर डिफिनीशन लिखना हो आपके आपके दिमाग में आ रही होगी, प्राइम फैक्टराइजेशन का डिफिनीशन भी जान लेते हैं। तो आइए प्राइम फैक्टराइजेशन की भी डिफिनीशन सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन का डिफिनीशन क्या होता है। तो लिखिए प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चा इसको हम लोग लिख सकते हैं राइटिंग अ नंबर नंबर एज अ प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ ए फैक्टर ऑफ ए फैक्टर्स डेट आर प्राइम नंबर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए देखिए आप लोग, एक एग्जाम्पल के लिए मैंने क्वेश्चन लिया, अभी मैंने लिया था 24 ली थी, अभी फिर से ले रही हूँ 36। सपोज दैट 36 मैंने लिया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो ये 18 टाइम्स में जाएगा, क्योंकि 18 के टेबल्स में 2 टाइम्स में क्या आता है 36 आता है, फिर 2 से करेंगे तो 9 टाइम्स में जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 × 3 = 9, और फिर हम लोग इसको करेंगे 3 से, एक सेकेंड, फिर इसको हम लोग 3 से करेंगे तो 3 × 3। अब क्या आ रहा है, इसका प्रोडक्ट जो आया 2 × 2 × 3 × 3 आया ना प्रोडक्ट इसका, तो ये क्या है, ये जो है प्राइम फैक्टराइजेशन है, जो हम लोग निकाले इसी को कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ये था मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन का डेमो। अब मैं आप लोगों को कल इस चैप्टर का रिवीजन करूँगा, क्वेश्चन कराऊँगी, तो आई होप कल मेरे साथ आप लोग जुड़ेंगे इसी टाइम में। और ये था इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में, आज हम लोग जाने कि व्हाट इज़ प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। साथ साथ हम लोग ये भी जाने कि व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन। तो आज हम लोग ये सब जाने, कल के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, क्वेश्चन क्या क्या दिया है, ये सारी चीज़ें हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग इसी टाइम 5 बजे याद से आ जाइएगा, कल मैं इसी चैप्टर को पढ़ाऊँगी फिर से, इसमें क्वेश्चन कराऊँगी। ये मेरा डेमो था, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को प्राइम नंबर जानना ज़रूरी था, फैक्टराइजेशन जानना ज़रूरी था, इसके साथ साथ हम लोग को क्रोप को प्राइम भी आता है, को प्राइम एक नंबर्स है, को प्राइम क्या है इसके बारे में हम लोग कल जानेंगे, और इसके बाद इसके इसका जो क्वेश्चन आंसर है हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। थैंक यू, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में एक से एक कम दोस्तों को शेयर करके मेरी सपोर्ट बढ़ाएं। थैंक यू।